बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग का आगाज करेंगे। और दोस्तों, सी लैंग्वेज में इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, जो की ना सिर्फ सी लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट है बल्कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस को यूज किया जाता है। इसीलिए, क्योंकि सी आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आपने इन फंक्शंस के टॉपिक को इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे की हाई लेवल लैंग्वेजेस को आपके लिए समझना निहायत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, फंक्शन से क्या मुराद है, क्यों यूज किए जाते हैं, इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंक्शन बनाए किस टेक्निक पर जाते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक पर बेस्ड करते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन मॉड्यूल्स को अलग अलग बिल्ड किया जाता है। इसका फायदा क्या है दोस्तों, अभी तक आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते आए हैं जो कि 8 to 10 लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनको बनाना, उसमें एरर को ढूंढना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर की, और एक सॉफ्टवेयर तो हजारों और लाखों लाइंस पर, लाइंस ऑफ कोड पर मुश्तमिल होता है, तो ऐसे में प्रोग्रामर्स के लिए वो कोड लिखना बल्कि उस कोड में एरर को सर्च करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है और फिर हर एक पार्ट को अलग अलग क्रिएट किया जाता है। इस तरह एक बड़े प्रोग्राम को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के जरिए मैनेज किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम को रीड करना, मैनेज करना, एडिट करना और एरर को ढूंढना और फिर रिजॉल्व करना निहायत ही आसान हो जाता है। और डियर फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में इन्हीं छोटे छोटे सब पार्ट्स या मॉड्यूल्स को फंक्शंस का नाम दिया गया है और ये तमाम अलग अलग फंक्शंस मिलकर एक सॉफ्टवेयर को जनरेट करते हैं। और दोस्तों, ये फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, अ पीस ऑफ कोड और अ ब्लॉक ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सम टास्क इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी फंक्शन क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसके जरिए आप कोई भी टास्क, कोई भी काम परफॉर्म करवा सके। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आप दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम, दोस्तों इस प्रोग्राम में आपने दो नंबर्स इनपुट लिए हैं स्कैनर फंक्शन के थ्रू ए और बी, और उसके बाद ए और बी को सम करवा कर इसका रिजल्ट स्टोर करवा दिया वेरिएबल सी में, और आखिर में आपने प्रिंट करवा दिया वेरिएबल सी को। यानी दोस्तों, आपने इन लाइन ऑफ कोड्स के जरिए एक टास्क परफॉर्म करवाया है। और अब अगर हम इन लाइंस को कर्ली ब्रेसेस से कवर कर दें इस तरह से, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि सम के टास्क को परफॉर्म करवा रहा है। और ब्लॉक हमने क्यों कहा, क्योंकि इन तमाम लाइंस को हमने दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान बंद कर दिया है। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो एक टास्क हो गया, लेकिन ऐसे कई तरह के टास्क हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें आप 4 तरह के टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, सम करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं और मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सम का तो कोड आपने लिख लिया, अब अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो उसके लिए कोड कुछ इस तरह का होगा। यानी यहाँ पर आपने दो नंबर्स को इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करवाया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट को स्टोर करवा दिया वेरिएबल सी में। और जिस तरह आपने एडिशन के अंदर वेरिएबल सी को प्रिंट करवाया था, यानी सम को प्रिंट करवाया था, इस तरह आपने प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इन दोनों नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो प्रिंट करवा दिया। और दोस्तों, इस पूरे टास्क को एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए आप इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देंगे इस तरह से, यानी इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आपने इसको बंद कर दिया, तो अब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया है। और जब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के जरिए एक सब्ट्रैक्शन का टास्क परफॉर्म होगा, यानी दो नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। इसी तरीके से दोस्तों, आपने ऐसे ही दो ब्लॉक और बना दिए मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए। अब दोस्तों, जब ये चारों ब्लॉक रन होंगे तो जो पहला ब्लॉक है वो एडिशन परफॉर्म करेगा, जो दूसरा ब्लॉक है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, तो तीसरा ब्लॉक है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, और जो चौथा ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये डिविजन को परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों, ये चारों ब्लॉक
अलग अलग काम कर रहे हैं, और अगर हम इन्हें किसी एक ही प्रोग्राम में यूज करेंगे, जैसे कैलकुलेटर के प्रोग्राम में, तो कभी हमें एडिशन करवाना पड़ेगा दो नंबर्स में, कभी मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, कभी डिवीजन और कभी सब्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही प्रोग्राम में, क्योंकि चार टास्क हैं, तो चारों को अलग अलग रिकॉग्नाइज करने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए इन्हें टास्क के मुनासबत से ही अलग अलग हम नाम दे देंगे। जैसे दोस्तों ये पहला टास्क एडिशन परफॉर्म करवा रहा है, तो हमने इसको नाम दे देंगे हम ऐड का। इसी तरीके से दूसरा टास्क हमें हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे सब्ट्रैक्ट का। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा टास्क हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे मल का। और चौथा टास्क हमारा डिविजन परफॉर्म करवा रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे डिव का। अब दोस्तों इन चारों टास्क के अपने अलग अलग नाम है, यानी दोस्तों किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार यूज कर सके, इसीलिए हम उसको पहचान के लिए एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ चार ब्लॉक ऑफ कोड हैं, और चारों अलग अलग टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, और चारों की पहचान के लिए हमने उन्हें नाम भी अलग अलग दिए हैं। तो देयर फ्रेंड्स, यही फंक्शन कहलाता है, यानी एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा हो और उस ब्लॉक ऑफ कोड का कोई नाम भी हो। अब दोस्तों आपने ये ब्लॉक ऑफ कोड भी लिख दिया, इसको एक नाम भी दे दिया, यानी आपने एक फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इस फंक्शन के बनाने का फायदा क्या है? तो दोस्तों इसका फायदा ये है कि जब मैं प्रोग्राम को बनाऊंगी, यानी अपने कैलकुलेटर के प्रोग्राम को बनाऊंगी, तो मुझे अगर दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो मैं सिंपली इस मेन फंक्शन के अंदर, यानी इस जगह पर, इस मेन फंक्शन के अंदर लिख दूंगी ऐड, और ऐड के बाद दो पैरेंथेसिस लगा दूंगी, और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकॉलन लिख दूंगी। तो इस तरह से मुझे दो नंबर्स का सम मिल जाएगा, यानी ये जो एक लाइन आपने लिखी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस पूरी इन तमाम लाइंस ऑफ कोड को। और डियर फ्रेंड्स, जब कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो दरअसल ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे ये तमाम कोड जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। यानी दोस्तों आपने एक बार फंक्शन बना दिया, अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको बार बार ये सारा कोड लिखना नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं दो नंबर्स में, तो फिर आप ये पूरा कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने तो एक बार ये कोड लिख दिया, अब सिर्फ आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद दो पैरेंथेसिस लगाएंगे और सेमीकॉलन लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस सब्ट्रैक्ट के नीचे जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी जब आप इस लाइन को लिखेंगे, तो दरअसल ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी इन तमाम लाइंस ऑफ कोड को। इसी तरह दोस्तों अगर आप दोबारा से एडिशन करवाना चाहते हैं, तो आप दोबारा लिख देंगे आप यहाँ पर दोबारा लिख देंगे एट, एट के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकॉलन। यानी दोस्तों जितनी बार मैं ये एड लिखूंगी, उतनी बार ये एड का जो कोड है, यानी इस ऐड फंक्शन का जो कोड है वो रन होगा, यानी इस एक लाइन के चलने पर ये तमाम लाइन जो हैं ये इसके पीछे एग्जीक्यूट होंगी। यानी दोस्तों इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ, आपने सिर्फ एक बार ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब जितनी बार आपको एडिशन करवाना है, उतनी बार आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इस फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकॉलन, तो ऑटोमेटिकली आपका वो एक दफा लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, आपको कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। और मान ले दोस्तों अगर आपके पास ये फंक्शंस ना हो, तो फिर अगर आपको जितनी दफा एडिशन करवाना है, उतनी दफा ही आपको ये तमाम लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन की वजह से आपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए एक बार एक पीस ऑफ कोड लिख लिया, उस पीस ऑफ कोड को आपने कोई नाम दे दिया, अब जब भी आपको वो टास्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा, तो आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या है, एक पीस ऑफ कोड जो किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा हो, और
हर पीस ऑफ कोड को हम कोई नाम दे देंगे, किसी नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिए, एक प्रोग्राम में अगर चार टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, चार फंक्शंस मौजूद हैं, तो चारों के नाम भी मुख्तलिफ होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो हमने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है, तो ये चार टास्क परफॉर्म करवा रहा है, ये एडिशन करवा रहा है, सब्ट्रैक्शन करवा रहा है, मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है और डिविजन करवा रहा है। और हमने इन चारों फंक्शंस को नाम भी अलग अलग दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ही प्रोग्राम में दो फंक्शंस बना रहे हैं सेम नाम के, तो फिर आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप लोग चार बहन भाई हैं, तो आपके पेरेंट्स चारों को अलग अलग नाम देते हैं। क्यों? ताकि आपके जिस बहन भाई को कॉल किया जाए, जिस सिबलिंग को कॉल किया जाए, वो ही उठकर आए। ऐसे ही एक प्रोग्राम में मौजूद हर एक फंक्शन को अलग नाम इसीलिए दिया जाता है ताकि जिस फंक्शन को कॉल किया जाए वही फंक्शन उठकर आए। जैसे यहाँ पर हमने जब ऐड को कॉल किया, क्योंकि ऐड यहाँ पर ऐड के नीचे ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ था, तो यही ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर उठकर आएगा। अगर हम यहाँ पर दो फंक्शन को सेम नाम दे देते, तो फिर कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता कि यहाँ पर से किस कोड को यहाँ पर उठाकर लेकर आए। और डियर फ्रेंड्स, अब जब आपने हर एक टास्क को, एक फंक्शन को अलग नाम दे दिया, अब जब भी आप उसको कॉल करेंगे, तो आप सिर्फ एक ये वाली लाइन लिखेंगे और ऑटोमेटिकली आपका ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, इनको बनाने का जो मेन मकसद है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। यानी एक बार आपने ये कोड लिख दिया, अब सिर्फ इस कोड को बार बार रन करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली आपका इस लाइन के पीछे जो कोड लिखा हुआ है, ये तमाम लाइंस ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ आप गौर करें तो हमने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट यानी फंक्शंस में डिवाइड किया है। यानी दोस्तों, हमने यहाँ पर मॉड्यूलर टेक्निक को अप्लाई किया है, जिसके अंदर एक बड़े प्रोग्राम को, जैसे हमने यहाँ एक कैलकुलेटर के प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस तरह से फंक्शंस क्या है, फंक्शंस किस टेक्निक पर बनाया गया है, दोस्तों फंक्शन जो है वो मॉड्यूलर टेक्निक पर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसके अंदर हमने सीखा कि फंक्शन क्या होते हैं, वो किस तरह मॉड्यूलर टेक्निक पर काम करते हैं, आप फंक्शन को किस तरह से बना सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जिसके अंदर हम फंक्शन की टाइप्स और एडवांटेजेस की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।